जितना युवा चिंतित है उतना हम भी सभी विधायक इक्यासी विधायक इस बात में चिंतित हैं। और आज मुझे लगता है सब लोग आस भी कर रहे थे, जैसे कि मैंने भी आस करके रखा था कि आज की कैबिनेट में ये फर्स्ट ड्राफ्ट या सेकेंड ड्राफ्ट एटलीस्ट आता था डिस्कशन के लिए, मगर शायद ये छोटी बैठक थी और इसमें ज़्यादातर मंत्री शामिल नहीं हो पाए थे आज के कैबिनेट में। मगर जहाँ तक मुख्यमंत्री से जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि जल्दी इसको एटलीस्ट हमें कामना है कि विधानसभा सत्र में इसे लाया जाए। आपको नहीं लग रहा मैडम लेट लतीफी हो रही है इस मुद्दे पर? लेट तो ज़रूर हो रही है, मगर देखिए कुछ चीज़ों में जल्दबाजी ना किए जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि एक बार रद्द हुआ है युवा भी नहीं चाहेगी, ना हम चाहेंगे ना आप चाहेंगे कि दोबारा रद्द हो। तो सॉरी सोच के अगर बनाया जाए इस नीति को तो शायद युवाओं को कौन समझाएगा रामगढ़ में? जिस तरीके से हम समझाएंगे आप समझाएंगे मैम रामगढ़ में, जिस तरीके से चीज को वो भी समझेंगे रामगढ़ में, जिस तरीके से मंत्रियों का विरोध हुआ नियोजन ने जाना है और बीजेपी अहम मुद्दा माने चुनाव। देखिए जनता का आक्रोश तो जायज है बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये दर्शाया जाएगा इस चुनाव में भी, जब हम प्रचार में जाएंगे तो बिल्कुल ये सब मुद्दा आएंगे, मगर उनसे शांतिपूर्वक ये सब चीज़ों को समझाना भी ज़रूरी। आज यहाँ पे हमारी मुख्यमंत्री जी से भेंट हुआ, खास मुद्दा हमारा यही था कि चान्हो प्रखंड में हर एक साल सिलागाय में वीर बुद्ध भगत जी के जयंती के समारोह में वहाँ पे एक बहुत भव्य मेला लगाया जाता है विकास मेला के नाम पर, और जिस तरह से मुड़मा मेला में माननीय मुख्यमंत्री जी आके अपने प्रेजेंस से हम लोगों को ग्रेस किए थे, उसी तरह से हम चाहते थे कि इस मेला में भी वो उपस्थित हो। उन्हीं का आमंत्रण देने के लिए हम सभी समिति के यहाँ पे जितने भी सदस्यगण हैं साथ में पहुँचे हुए थे, आज उनसे भेंट हुई और भेंट भी मंगल रहा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।